जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आज करेले की सब्जी बनाएंगे एक नए अंदाज में, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर टर्मरिक हल्दी डालेंगे। फिर अब हम इसमें 1/2 स्पून आप लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे। फिर अब हम इसमें उतनी क्वांटिटी रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा डालेंगे। और फिर यहाँ पर धनिया पाउडर अच्छे से डालेंगे। जितना आपने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाला है उसका 4 टाइम्स धनिया डाल दीजिए और सॉल्ट स्वाद अनुसार हम डालेंगे। तो करेले की सब्जी में पहले से ही सॉल्ट होगा, आगे बताएंगे हम। अब ये मसाले जो है यहाँ पर हम हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से कटोरी में अलग से, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं सब्जी में। इसलिए अलग से हम यहाँ बना रहे हैं। थोड़ा सा और पानी अभी हम यहाँ पर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हमारे मसालों को। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। अभी देखिए हम करेले की सब्जी यहाँ बना रहे हैं। हमने पैन में जो है यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है करेले की सब्जी, जरूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स हमने 1 चम्मच डाली है यहाँ पर। फिर अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच सौंफ फेनल सीड्स डाली है और साथ में अब हम अजवाइन नहीं डाला ना इसमें हमने जीरा डाला है, इसमें हमने सौंफ डाली है, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब हमने इसमें एसाफोइटिडा हींग डाला है और फिर अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, 1 हरी मिर्च हमने यहाँ काट के। और हमारा जो मसाला हमने बनाया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे पूरा का पूरा। और ये देखिए यहाँ पर इस मसाले को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे हम। गैस को हमने स्लो कर रखा है, हमारा तेल अच्छे से गर्म था। जो हमारा मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरा मसाला बोल से हमने इसमें डाल लिया है। तो ये करेले की सब्जी का हमारा मसाला अच्छे से धनिया डलता है। एक टिप ये है करेले की सब्जी का कि धनिया एकदम अच्छे से डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये हमारा मसाला सिक रहा है तब तक हम आपको बता देते हैं, देखिए ये हमने करेले यहाँ पे लिए, इसका प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले करेले लेने हैं आपको, उनको छील लेना है। छीलने के बाद उसको कट कर लीजिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, आप कट कर सकते हैं। जो इनके छिलके हैं ना वो भी आपको रखने हैं, ध्यान रखिएगा उसको फेंकना नहीं है। छिलकों को हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छिलकों को भी हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी आपकी। और फिर उसके बाद इसमें नमक छोटे छोटे पीसेस में काट के उसमें नमक लगा लीजिए 1 घंटे तक, 1 से 2 घंटे नमक लगेगा तो वो पानी छोड़ेगा। पानी जब वो छोड़ेगा तो एक साइड पैन में आप क्या करिए 2 चम्मच बड़ी चम्मच पानी डाल के उसको स्टीम ले लीजिए ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट की। 50% ये हमारे यहाँ पर देखिए सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या है करेले की सब्जी जल्दी भी बनती है और 5 से 7 मिनट आपको स्टीम भी हो जाती है उसका। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम पानी से ऐसे निचोड़ लेंगे। स्टीम बनने के बाद जितना एक्स्ट्रा पानी है वो हम देखिए ये पानी निकल रहा है ना, ये सारे करेले को हमने पानी निकाल के रख लिया है। पानी निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पानी में उसका सारा कड़वापन निकल जाता है। और अब हम हमारे करेले इसमें डाल देंगे। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है छील के नमक लगा के 1 से 2 घंटे छोड़ने के बाद उसको 2 चम्मच पानी डाल के उसकी भाप हमने उसमें स्टीम में रख दिया 5 से 7 मिनट और फिर 5 मिनट इसको हाथ से निचोड़ लिया। और ये देखिए आपके करेले एकदम आपके अच्छे बनेंगे। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करिए। अब कैरी का सीजन चल रहा है, रॉ मैंगो हमने यहाँ पर ग्रेट कर ली है और ये हम 1 से 2 चम्मच इसमें क्या है खट्टापन, आप या तो ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप ये कैरी डाल सकते हैं। कैरी यानी कि रॉ मैंगो का सीजन है राइट, अभी तो रॉ मैंगो हमने यहाँ पे इसको खट्टापन देने के लिए करा है। बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। और तेल भी जो है ना हमने सरसों का तेल 2 बड़ी चम्मच लिया है। करेले में तेल जो है वो बहुत अच्छे से डलता है तभी इसकी सब्जी का स्वाद आएगा आपको और बिल्कुल आपको कड़वी नहीं लगेगी। तो 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल हमने लिया था। अब हम इसको ढक देंगे और इसको अभी 2 से 3 मिनट हम स्लो फ्लेम पे सिजने देंगे। जब तक हमारे करेले 2 मिनट के लिए हो रहे हैं तो हम छोटी सी प्रेयर भी कर लेते हैं। कहते हैं प्रार्थना और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि असंभव से भी संभव हो जाता है। तो अभी सभी को ज़रूरत है, इंडिया में सारी फैमिलीज इंक्लूडिंग आज सबको ज़रूरत है प्रेयर्स की, दुआओं की।
तो आइए चलिए साथ में मिलकर एक छोटी सी प्रेयर हम बोलते हैं, तब तक हमारे करेले भी सिक जाएंगे। तो आंख बंद करेंगे हम, कुछ एडिशन नहीं करेंगे, स्लो फ्लेम पे हमारे करेले हो रहे हैं और उसको अभी हम देख लेंगे, चला लेंगे। तब तक हम सब आंख बंद करके एक मिनट के लिए छोटी सी प्रेयर, जिस भी रिलीजन के आप हैं वो आप प्रेयर अपने मन में बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। देखिए कलेक्टिव मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, तो इसीलिए कहते हैं साथ में जब दुआएं करते हैं तो वाइब्रेशन चेंज होती है, यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है, एंड इट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। 3 से 4 मिनट में आपके करेले अब यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको 50% ऑलरेडी सिजो दिया है। तो अब बन चुकी है हमारी यहाँ पे ये करेले की सब्जी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर करेले के छिलके भी देखिए इसमें यूज़ हो गए हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, मिलेंगे दोबारा। बाय बाय एवरीवन।